देखिए, मैं पहले एक मरतबा कह चुका हूं कि लोग शाहीन को फर्स्ट ओवर की वजह से पहचानते हैं, कोई शक नहीं कि उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की, लेकिन अगर आप पहले ओवर का इम्पैक्ट नसीम का नोटिस करें पिछले 6 से 8 माह में, पहला ओवर जब वो कर रहे हैं उसमें जो राइट एरिया और जो स्विंग मिल उनको मिलता है, जो डिस्टर्ब करते हैं वो बैट्समैन को, वो मैंने रिसेंट पास में किसी बॉलर को करते हुए देखा। ही ट्राइज टू एक्सपोज द टेक्निक ऑफ अ बैट्समैन, राइट एरिया हिट करते हैं, दोनों स्विंग करते हैं, सो इट्स ऑलवेज लाइक प्लेजर टू वॉच द फर्स्ट ओवर ऑपरेशन बाय हिम, टू बी ऑनेस्ट। लाइक मैं हमेशा मैं जब भी इनको देखता हूँ आई लाइक द मोस्ट के ये विकेट टेकिंग बॉल्स करते हैं, ये सिर्फ बॉल नहीं करते, ये थ्रेट करते हैं बैट्समैन को कि मैं आपको आउट करने के लिए हूँ। तो इनका पहला ओवर और शायद समटाइम तीसरे ओवर भी अगर स्विंग हो रहा हो तो आई थिंक ही बोल्ड एक्सेप्शनली वेल। जिस तरह इवन कराची में भी एक दो सीरीज हुई थी वनडे की, नया बॉल सफेद विकेटों पे बिल्कुल, यू नो ही वाज चैलेंजिंग द टेक्निक ऑफ द बैट्समैन। आज भी देखें जो इम्पैक्ट डाला है वो इसी दो ओवरों ने डाला है, प्रेशराइज किया पिशावर की बैटिंग। वो लेंथ देखिए उसकी, जो बात करते हैं ना 6 to 8 meters, ये देखिए। और बिस्मा ने बात की थी सुबह प्री शो में के सैम अय्यूब को आप ये बॉलिंग करो, मिडल से उसको थोड़ा सा आगे से अंदर लाओ, ये थोड़ा सा लेंथ खींची है, बिकॉज अर्ली ऑन पता है 190 पे हैं वो बैट्समैन, जरा पॉजिटिव होंगे तो। मगर उसने देखो उसको रूम नहीं दिया, उसने मिडल से ही सिर्फ अंदर लाता रहे और उसी से प्रॉब्लम हुआ, इनसाइड एज हुआ और फिर कैच हो गया स्लिप में। सो या दिस इज द लेंथ अर्ली ऑन विद द न्यू बॉल इन दिस फॉर्मेट। बट लेट मी आस्क यू मिस, बट दिस इज व्हाट इज कंसीडर्ड सैम अय्यूब्स स्पेशलिटी एरिया, दिस इज वेयर ही पिक्स अप दैट पिकअप शॉट जिसपे बड़े जबरदस्त वो जो उनका शॉट मशहूर हुआ, जिसकी वजह से वो मशहूर हुए। हाउ इज इट दैट ही कुडंट टैकल, वाज इट जस्ट दैट नसीम शाह का पेस भी थी ना, पेस है अर्ली ऑन, और दूसरा ये है कि लेट स्विंग भी है। अभी शायद वो देख रहे थे कि एक दो बॉल देखो, बट अर्ली ऑन मेरे ख्याल में सैम को थोड़ा सा इस पे काम करना पड़ेगा।